वहाँ से एक बार हम लोग झांकने वाले हैं दूसरों के घर के अंदर। क्यों, तेरे पास घर नहीं है क्या? है ना, अपना भी घर है भाई, गेमिंग हाउस है अपना। एक्चुअली हम लोगों ने अपना घर देखा, इसलिए वीडियो का आइडिया, सच बता। हाँ हाँ, कि हम लोग देखने वाले बाकी सारे गेमर्स के टॉप 10 एक्सपेंसिव हाउसेस, उसमें अपना भी नाम पता है। अब पता है इसलिए तो तेरे को आइडिया आया, वही तो बता रहा हूँ। देखते भाई कितना एक्सपेंसिव हमारा हाउस, क्योंकि हमें ही नहीं पता। यू आर चालाक ब्रो, मुझे पता है भाई कितना है, बिकॉज इतने सारा ले ले, चालू कर हां भाई, ठीक है ठीक है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 10 फेमस गेमर्स। ओ, अज्जू भाई का भी घर दिखने वाला क्या? अज्जू भाई का घर दिखा गेमिंग वाला? हां, पता नहीं के न्यू एक्सपेंसिव, ये अज्जू भाई का घर के बारे में, इनके घर को भाई, ये तो होटल रूम है भाई, ये तो भाई स्कैम हो गया, मेरे को लगा घर है। देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और इनकी कीमत सुनकर तो अब दंग रह जाओगे। तो अगर आप भी टोटल गेमिंग, टेक्नो गेमर्स, ट्रिगर्ड इंसान जैसे गेमर्स के फैन है तो इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक और आपने अभी तक के चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं UNQ गेमर। ये एक गेमर एंड व्लॉगर है, इनको मैंने बहुत पहले देखा था पीछे पबजी के टाइम। पबजी के टाइम पर 1.8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इनका रियल नेम राजू है और इनके गेम प्ले वीडियोस को काफी लोग पसंद भी करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अपना न्यू हाउस टूर रिवील किया है, तो ये देखते हैं। इनके इस घर में काफी बड़ी जगह पर, ओ भाई, पार्किंग की जगह काफी ज्यादा है। एक्चुअली में बड़ी है, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर पूरा पार्किंग कर दिया, ये नया स्टाइल है। पार्किंग एरिया दिया गया है। इनके इस हाउस में बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, हॉल, ड्राइंग रूम और भी काफी कई एक से बढ़कर एक रूम बने हुए हैं। काफी बड़ी जमीन पर इनका बंगलो बना हुआ है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये अप्रोक्स 3 से 5 करोड़ रुपीस। अरे ये क्या बना है ऊपर? कैमरा है क्या? अरे वो नहीं दिखता, ऐसा क्या है इतना छोटा सा ऊपर? वो ऐसा 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 माइनक्राफ्ट का घर है, पर लेकिन समझा ना मुझे, ऐसा छोटा वॉच टावर दिखना चाहिए सब ना। वॉच टावर, वाह भाई। अरे वो पबजी में रहता ना हाइट एडवांस, हाँ वही है वही है, ऊपर से दिखना चाहिए कौन आया ऐसा है दगड़ मारने के लिए। नंबर 9 पर आते हैं डायनामो गेमिंग। डायनामो गेमिंग का रियल नेम आदित्य सावंत है। इनके चैनल पर 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। डायनामो गेमिंग कभी इंडिया के नंबर 1 गेमर हुआ करते थे, लेकिन आज वो टॉप 10 के लिस्ट से कुछ बोलेगा भाई, ऐसे तो ना बोलते यार किसी को, अभी भी गेमर है डायनामो, अपने भी बाहर हो चुके हैं। डायनामो गेमिंग के हाउस की बात की जाए तो इन्होंने अपना बूट कैम बनवाया हुआ है, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है, जिसमें कई एक से बढ़कर एक रूम्स एंड स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इस बूट कैम में सिर्फ आप लोगों को 1 से 2 करोड़ का गेमिंग सेटअप टूर ही देखने को मिलेगा। अबे वो सोफा देखना कितना बड़ा है, देखा मैंने, जैसा कुछ ज्यादा ही लंबा सोफा है, मस्त दिख रहा है डिजाइन। 1 से 2 करोड़ का गेमिंग सेटअप टूर ही देखने को मिलेगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस अप्रोक्स 5 से 8 करोड़ रुपीस बताया जाता है। नंबर 8 पर आते हैं वन स्पॉट गेमिंग। अबे बजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 8 पे मतलब डायनामो के ऊपर, मतलब कि प्राइस ज्यादा है ऐसा बोल रहे हैं। नाटक मत कर, तेरे को प्राइस पता है, चल। इसे आप वन स्पॉट गेमिंग के नाम से जानते हैं, असल में उनका रियल नेम ईशान खेडकर है। इनके पास मेरा चैनल है, तेरा चैनल मेरा है, ऐसा बोला भाई। ये भगवान क्या जुलूम है, ए भाई अलग से एक तो चैनल है, वो तो रहने दो यार, ऐसा थोड़ी होता है। देख मेरे सब्सक्राइबर कम नहीं हो रहे, उतना ही है 304, तू देख ग्राफ कभी भी, ठीक है भाई, थैंक यू यार, थैंक यू। जो भी देखते इसको अनसब्सक्राइब कर, ओए भाई मैं चैनल डिलीट मार दूंगा। करीब 4 से भी ज्यादा चैनल्स है जिस पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अज्जू भाई गेमर होने के साथ साथ एक व्लॉगर एंड टेक यूट्यूबर भी है। तो आइए नजर डालते हैं इनके हाउस पर। तो इनका भी बंगलो काफी बड़ा है, जिसमें पार्किंग एरिया, गार्डन एरिया, बेडरूम, लिविंग रूम, मस्त। अच्छा, पता नहीं था क्या तेरे को? मुझे नहीं पता क्या? ये बाहर वैसे भी नहीं जाता, इसको पता नहीं था घर के बाहर कौन सा कलर है, गेट का क्या कलर है। भाई ये मेरे को बोल रहा है गेट का कलर क्या है, डिलीवरी वाला आया है येलो कलर या ब्लैक? अरे वो बहुत पहले की बात है, जब भाई कलर दिया नहीं था, नहीं दिया था, सच बाहर गया था उसके बाद कलर दिया, पता तो होना चाहिए बंदे को क्या है। एक्चुअली मेरा ये रूम अभी बहुत चेंज हो गया है ना अपना, कुछ नहीं चेंज हुआ, अंदर से वैसे गार्डन एरिया, कितना लिविंग रूम, मस्त दिखता है, 2 से 3 पूरा भर गया रूम भी
बने हुए। अच्छा हाँ, मतलब यहाँ पे चीजें भरी हुई है। अच्छा लगता था, अभी एम्प्टी खाली। अरे सुनने तो दे क्या बोल रहा भाई। बेडरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम और 2-3 गेमिंग रूम भी बने हुए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगा। अगर इनके इस बंगलो के प्राइस की बात कर तो मैं आपको बता दूं इसका प्राइस अप्रोक्स कितना होगा। तू गेस कर ले। मैं एक हिंट देता हूँ। हाँ, लाइक सिंगल डिजिट करोड़। सही तो है ना, सिंगल डिजिट करोड़। सिंगल डिजिट करोड़। हाँ, सिंगल डिजिट करोड़। मतलब सिंगल एक करोड़ नहीं, मतलब एक से नौ के बीच में। 8-10 करोड़ रुपीज हो सकता। फंस गया सी है भाई। इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं यार यूट्यूबर होता क्या? बता तू एक बात बता, ये वीडियो बनाते क्या अगर इतना होता मेरे पास? मैं तेरे पास घर अगर इतने का होता है ये वाला तो आज पैसे के लिए घर की बात तो कैसा हो सकता है यार? वहां पे मैं ऐसा चड्डी में घूमता? गुच्ची पहनता गाइस, गुच्ची। वो देख क्या पहना है? गुच्ची नहीं पहना है इसलिए ये घर बन पाया। ये भी बात है यार, कम पैसा वेस्ट किया था तब इसलिए बन पाया है। कैसा पॉसिबल है 8-10 करोड़? नहीं यार, 8-10 करोड़ में इतना छोटा तो नहीं बनेगा। इतना बहुत बड़ा बन जाता, डबल बन जाता। एक हिंट देते, डबल ट्रिपल बन जाता। हिंट है गाइस, इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। 8-10 करोड़ रुपीज हो सकता है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना इनका घर। अभी तो अपना अपडेटेड भी आ गया ना, ऐसा रूम टूर रहे। रूम टूर अपडेटेड, पूरा हाउस टूर नहीं अभी अपडेटेड। हाँ मतलब अगर, लेकिन भाई ने जो बोला ठीक है कि गेमिंग हाउस टूर है राइट? नहीं गेमिंग नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? गेमर के हाउस लिखा है। नहीं गेमिंग हाउस का चालू है सब, वो सब गेमिंग हाउस का बात कर रहा भाई। अच्छा हाँ, क्या करना चाहता है तू? तो शायद होगा ज्यादा प्राइस, ठीक है देन दे। इसका प्राइस अप्रोक्स 8-10 करोड़ रुपीज हो सकता है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना इनका घर कितने का होगा। नंबर 7 पर आते हैं लोकेश गेमर। लोकेश गेमर आज इंडिया के टॉप 5 गेमर्स में से एक है। इनके चैनल पर 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके अलावा इनके पास और भी चैनल्स हैं जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। लोकेश गेमर के अगर हाउस की बात करें तो इनका घर भी काफी शानदार बना हुआ है, जिसमें कई एक से बढ़कर एक रूम सब बने हुए हैं और इनका गेमिंग सेटअप भी काफी तगड़ा बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द लोकेश गेमर एक विला परचेस करने वाले हैं, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें गार्डन, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल जैसे कई एक से बढ़कर एक सेम दिख रहे, लेकिन सारे के सारे विला सिस्टम है ना पूरा, तेरा सेपरेट नहीं, वो पसंद ही नहीं है अपना, कैसा सेपरेट है इसलिए तेरे को आदत नहीं है। लेकिन वो गुड़गांव के साइड है ना लोग ऐसे ही लेते हैं, बहुत महंगे वाले घर लेते हैं यार मुझे। बट अंदर से ये घर बहुत अच्छे रहते हैं। तुझे पता है क्या, उधर लेने से सस्ता दुबई में मिलता है। हाँ, दुबई जाना पड़ेगा गाइस, वीजा भी लग जाएगा गेमर्स का। हॉल बने हुए हैं, अगर इसके प्राइस की बात कर तो ये करीब 10 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जाती है। मतलब मत प्राइस का बोल मत, मैं वो नहीं बोल रहा, मतलब ये सब लोग जो जिन्होंने लिया है राइट, हाँ, ये सब ने 10-10 करोड़ में लिया है, ऐसा बोलना चाहते हैं क्या? या फिर ये पहले वाले घर की बात चल रही है? अरे यार कंफ्यूजन हो गया यार। अरे एक घर की कीमत मैं बोलता हूँ, ये बंगलो की कीमत 10 करोड़ ऐसा। हाँ, तो कौन सा वो वाला अलग है ना, वो मेन घर है एटलीस्ट मुंबई में। नहीं चुप रहे, सुन रहे, बोल मत प्राइस का। सुन तो एक सी फेसिंग करके चीज से तो लोग बढ़ाते थे प्राइस, बट इधर तो वो भी नहीं पॉसिबल। इधर तो पार्किंग भी कम है यार, 1-2 गाड़ी की है। बेडरूम और हॉल बने हुए हैं, अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब 10 करोड़ रुपए इसकी कीमत। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कीमत इतनी होगी, मैं बोल रहा हूँ उतनी देख कैसे रहे लोग। तूने कैसे 8-10 में लिया? तूने कैसा 8-10 में लिया? वहाँ पे तेरा नाम लिखा है, समझ रहे क्या? सॉरी सॉरी। नंबर 6 पर आते हैं इंडियन बैक पैकर। ये भी एक गेमर फ्लॉवर है और अब ये ज्यादातर बाहर कंट्री में ही रहते हैं। भाई रोस्ट हो रहा है। ये सही है भाई कि बाहर देते, घर की क्या जरूरत आपको भाई? गाड़ी में देते, बाहर भी नहीं, गाड़ी घर हो गया इनका। ये अभी दिल्ली से लंदन, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, चाइना और भी कई कंट्रीज की ट्रिप पर निकल चुके हैं। इनके व्लॉग को काफी लोग पसंद भी करते हैं। इंडियन बाइक पैकर के पास काफी अच्छा कार्स एंड बाइक का कलेक्शन भी है। इनके चैनल पर आज 3.1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बाइक पैकर कहाँ रहते हैं? तो इन्होंने अभी कुछ मंथ पहले ही गुड़गांव में अपने एक न्यू हाउस परचेस किया है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुड़गांव मतलब 10 के ऊपर है, ऐसा है क्या? हाँ, 10 के ऊपर, सिर के ऊपर अपने। और इसको इन्होंने बाद में अलग से रिनोवेशन और इसका एलिवेशन भी चेंज करवाया हुआ है। ये घर इन्हें करीब
8 करोड़ रुपए तक के पड़ गया है, जिसे अपना महंगा है, अब तक का अपना ही महंगा है, आज से 10 करोड़ हम लोग का सबसे अभी जिस हिसाब से वीडियो चल रहा है उस हिसाब से तो वही लग रहा है। भाई। तो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इनके पास और भी कई प्रॉपर्टी और हाउस है। नंबर 5 पर आते हैं टेक्नो गेमर्स। टेक्नो गेमर्स किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। टेक्नो गेमर्स आज इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप गेमर्स में से एक है। इनके चैनल पर आज 40 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके अलावा इनके पास 3 से 4 चैनल और है जिस पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सही बात है, अभी 4-5 हो गए हैं। वीडियोस को पहले हम लोग को बोला जाता था, याद है ना, अभी सब ये सोच रहा था ये वीडियो बनाते किसके सबसे ज्यादा चैनल है, क्या बोलता है, ढूंढ लेते सब, सबके ढूंढेंगे। अभी टेक्नो गेमर्स भाई ने टेक चैनल भी स्टार्ट किया है। टेक चैनल उज्जवल, टेक्नो गेमर्स, टेक शॉर्ट, नहीं क्या था वो उज्जवल टेक्नो, टेक्नो ओनली टेक्नो, हाँ चार हो गए, चार हो गए और एक होगा शॉर्ट्स का भी एक 5 ठीक है, अपने तो दोनों के मिलके करती है और इनका फैन बेस भी काफी तगड़ा है। तो आइए हम नजर डालते हैं टेक्नो गेमर्स के हाउस पर। तो टेक्नो गेमर्स अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहते हैं, आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं, लेकिन अभी तक टेक्नो गेमर्स ने अपना हाउस टूर रिवील नहीं किया है। वही बोला ना, अगर इनके हाउस के प्राइस की बात करें तो ये भी काफी बड़ी जगह पर बना हुआ है शायद, जिसमें कई एक से बढ़कर एक बेडरूम रूम्स गेमिंग रूम्स बने हुए हैं, जिसकी कीमत करीब, लेकिन छोटा है किचन, ठीक है किचन एक से बढ़कर एक बेड, मतलब देखना थोड़ा छोटा लग रहा है किचन ऐसा, एंगल या फिर एंगल रूम रूम्स गेमिंग रूम्स बने हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 4 से 5 करोड़ रुपीज हो सकती है। नहीं नहीं ज्यादा, फोर्थ पर आते हैं, मतलब अरे होना चाहिए ज्यादा ऐसा, देखते नहीं, मैं उस वैसे नहीं बोला, मैंने बोला ये जो 4-5 है ना वो कम है, इससे ज्यादा हो सकती है, मैं वही तो बोला 6 करोड़ का हो सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ मतलब ज्यादा, मतलब ये वाला ज्यादा नहीं बोल रहा, 4-5 ये कम लिखा है, लिखा कम है वीडियो में, ज्यादा है। तुझे कैसे पता ज्यादा है, कहाँ पे रहते उज्जवल भाई, पता भी मेरे को पता है, मेरे पास लोकेशन है सब। टोटल गेमिंग आज इंडिया के नहीं बल्कि पूरे एशिया के नंबर 1 गेमर्स में से एक है। इनके चैनल पर अभी नंबर 1 हो गए भाई, पूरे एशिया में नंबर 1 कैरी भाई को भी छोड़ दिया। देखने दो भाई, मुझे कंफर्म कर दे। अरे कंफर्म नहीं, 100% है कैरी मिनाटी भाई का, मतलब 42.2 है एंड टोटल, नहीं वो उनका अज्जू भाई का भी 42.2 ही होगा, पता नहीं बढ़ गया होगा, तो देखते दोनों का फोर्ट, मतलब नेक टू नेक है भाई। नहीं नहीं हो गया, लाइव सब काउंट में गए अज्जू भाई आके, तो दोस्त फिर भी नहीं पता गाइस, क्या दोस्ती रखेगा, अजू भाई को दिखाना पड़ेगा। सॉरी सांप को पाल रहा था, सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके अलावा इनके पास करीब 10 से भी ज्यादा चैनल्स हैं जिस पर लाखों में सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और अगर इनके हाउस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, टोटल गेमिंग का घर गुजरात में है, ये वहीं पर रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन अभी तक के इन्होंने अपना हाउस टूर नहीं करवाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनका घर भी काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि टोटल गेमिंग भी अपना खुद का एक बंगलो ओन करते हैं, जिसमें कई एक से बढ़कर एक रूम हुए हैं, और ऐसा बताया जाता है कि इनका सिर्फ गेमिंग सेटअप टूरी 3 करोड़ रुपए का बताया जाता है। तो सोचो इनका घर कितने करोड़ रुपए का होगा। नंबर 3 पर आते हैं भाई, नहीं बोल, अज्जू भाई का महल है बड़ा, पता है सर, सूरत के बीचों बीच, अभी बोलना चांद पे, चांद पे कैसे जिएगा इंसान, तो फेंक रहा है चांद पे बनाया, चांद तो सूरत पे ही थी ना। है गेमर फिलिट, गेमर फिलिट आज इंडिया के टॉप और रिचेस्ट गेमर्स में से एक है। बन गया क्या, 6 से भी ज्यादा चैनल्स हैं जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। गेमर फिलिट भी अपना न्यू हाउस बनवा रहे हैं, जो देख रहा है तू, देख है कितना 5 चैनल हो गया ना, अभी फ्लिट बॉय का भी टेक चैनल आएगा, मेरे को लग रहा है सब गेमर्स का चेक 100% आएगा, फ्लिट बॉय का टेक चैनल लिख के ले लो में है। तो काफी बड़े जमीन पर इनका बंगलो बन रहा है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कई एक से बढ़कर एक रूम, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, सिनेमा हॉल और भी बहुत कुछ बनने वाला है। अगर इनके इस हाउस के प्राइस की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसकी कीमत करीब 8-10 करोड़ रुपीस, अपना ही महंगा क्यों है, अपना ही महंगा क्यों है, अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार, 8-10 कैसे लिया तूने, कहाँ से लाया पैसे तू, मैंने एक्चुअली कहाँ से चोरी करके लाया बता मुझे, अबे नूबड़े तेरे अकाउंट में भी नहीं थे इतने इसलिए पूछा चोरी की आग से किया तू, अकाउंट की लिमिट क्या दे रही चल लगा जाती है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना गेमर फिलिट का
घर कितने करोड़ रुपए का हो सकता है। नंबर सेकंड कमेंट्स देखने पड़ेंगे, देखेंगे हाँ कमेंट्स भी देखेंगे लोग कितने समझदार हैं। हमेशा स्काउट के नाम से जानते हैं सनमून का, स्काउट बॉय का सबसे बड़ा है सर। ऐसा क्यों बनाया स्काउट बॉय ने वीडियो इतने मस्कर का, तो गलत क्या है, बराबर तो है, फीका फीका दिख रहा है पूरा, वो स्काउट बॉय का स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है। लेमतन में सिंह है, इनके चैनल पर आज 4.9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। स्काउट के पास भी आज कई करोड़ों का कास का कलेक्शन हो चुका है। लेकिन अगर हम इनके स्काउट का घर बहुत बड़ा लगता है, नहीं है बड़ा है, बहुत बड़ा है हाउस की बात करें तो मैं आपको बता दूं अब तक के आपने इनका हाउस टूर देख ही लिया होगा। सही है भाई, स्काउट बाइक का 8 से 10 का भाई देख कितने भी करोड़ों के घर ले, झाड़ू आ गई होती। नहीं नहीं नहीं, चेयर झाड़ू ये अपना भी ऐसा ही है, सेम ऐसी चीज है भाई अपने पर कितना भी। सुन ना अपने ये वीडियो बनाते हैं क्या, मेन हाउस वर्सेस गेमिंग हाउस अपना, हाँ दो हाउस वीडियो भी निकल जाएगा, मस्त प्लान है। इनके घर में कई एक से बढ़कर एक रूम्स, गेमिंग रूम, सिनेमा हॉल, किचन और भी बहुत कुछ बना हुआ है। घर मेंटेन करना आसान नहीं होता इतना, बहुत लोग लगते भाई इसके लिए। प्राइस की बात करें तो ये करीब 15 करोड़ रुपए का बताया जाता है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद हमारे लिए भाई देखो कैसा पता क्या, ऐसे बड़ा घर लिया ना, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ ठीक है। अभी सपोज कर लो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अभी एक भी लाइट खराब हो गई, ये देखो मूड खराब, ये देखना, ये देखना दिख रहा है तुझे, तो वो करना पड़ता है पहले से, मतलब खराब होने लग गई लाइट तो अपने को चेंज करनी पड़ती है। घर में इतने नल होंगे, एक भी खराब होता है चेंज करना पड़ता है। अभी ये लिफ्ट आ गई ठीक है, लिफ्ट खराब हो गई, लिफ्ट चेंज ठीक करनी पड़ेगी ऐसा, मतलब और ईयरली मेंटेनेंस रहता है लिफ्ट का, और लाइट बिल और भी बहुत कुछ बना हुआ है। अगर इनके इस घर के प्राइस की बात करें तो ये करीब 15 करोड़ रुपए का बताया जाता है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर आते हैं ट्रेगर्ड इंसान। अच्छा इनका नया घर गेमर एंड रोस्टर है और इनकी मलान फैमिली को आज हर कोई जानता ही होगा, क्योंकि मलान फैमिली में हर एक यूट्यूबर एंड व्लॉगर है। ट्रेगर्ड इंसान इनके चैनल पर 22 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और वहीं इनके भाई फुकरा इंसान जिनके चैनल पर 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इनकी मदर का भी एक चैनल है जिस पर 4.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इनकी सिस्टर के भी कई चैनल है जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर है और इसी वजह से आज मलान फैमिली यूट्यूब और सोशल मीडिया से कई करोड़ रुपए महीना कमाती है। तो आइए अब बात करते हैं हम इनके हाउस के बारे में, इनका नया घर कहाँ है। तो मलान फैमिली ने अपना न्यू हाउस हरियाणा के गुरुग्राम इमार मार्बेला में परचेस किया है, जो सबसे एक्सपेंसिव एरिया माना जाता है। इनका घर अब कंप्लीट हो चुका है, जो बहुत सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा था, जिसमें आप लोगों को गार्डन, सिनेमा हॉल, जिम, किचन। माइकल है ना अपना, जीतेगा उसके जैसा सब स्टाइल लग रहा है ना फुल ऐसा। ये देखना ऐसा भी है, वही है, वही गार्डन, ये चीजें भी ऐसा लग रहा है भाई कि निश्चय भाई नहीं जीते में माइकल का घर नहीं वैसा तो सब घर सेम है वहाँ पे। हाँ क्या, हाँ तो वो ये ना सोसाइटी रहती है हाउस विलास की, अपने भी वैसे लेने वाले थे बट मैंने कैंसिल किया। यहाँ पे है ऐसा, सब जगह होता है ऐसा सिस्टम, बंगलो ऐसा एक जगह पे 10 बंगलो चल रहा था, जिसमें आप लोगों को गार्डन, सिनेमा हॉल, जिम, किचन, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट हाउस, गेमिंग रूम और कई रूम सब बने हुए हैं। अगर इनके इस हाउस के प्राइस की बात करें तो ये करीब 25 करोड़ रुपीज इसकी कीमत हो सकती है गाइस, हो सकती है भाई। स्विमिंग पूल है भाई, इतने लाइट है भाई, भाई ये थिएटर है अच्छा वाला, वो रिक्लाइनर वाला, उसको 1-2 करोड़ का होगा। गाइस और भी हम लोग एक नया घर लेना, नया घर ले लेंगे गाइस। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बहुत सारा पैसा लाके, कोई तरीका है भीख मांगने का, भीख मांगने का अरे कौन सा तरीका है, अरे मतलब भाई भाई पैसा नहीं चाहिए आपका, सिर्फ प्यार चाहिए गाइस, लाइक दे दो। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर उतने ही रखो, 304 अरे बता रहा हूँ, इसको अनसब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।